हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद अर्शद। और अभी आया हूँ मैं साउथ गोवा के एक और बीच पे। ये बीच वास्तव में शांति का प्रतीक है आज के लिए, तो जब मैं आया हूँ तब के लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बीच जो है वो शांति का प्रतीक है। बहुत शांत है, बहुत शांत। आप देखोगे शांति तो आप कहोगे वाह। तो ये है बीच अगोंडा। अगोंडा बीच है जो कि मडगांव से नियर अराउंड 35-40 किलोमीटर्स के बीच में है। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि साउथ गोवा जो है वो फैमिलीज़ के लिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा शोर शार नहीं मिलेगा, तो अगोंडा बीच उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। हालांकि ये बीच काफ़ी खूबसूरत है। आपको जैसे यहाँ पे कोकोनट लगे हुए हैं, मस्त वाले कोकोनट के पेड़ लगे हैं बीच के पास में, और बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्रीनरी है। खूबसूरत तो है ही, जैसे कि हर बीच होता है। यहाँ पे शेल्स बने हुए हैं लेकिन वो शेल्स अभी बंद हैं। उसका रीज़न है ये, देखिए ये जो अगोंडा बीच है इस पर मैं जिस सेक्शन में खड़ा हूँ, या तो ये सी गार्ड जो है वो है या मैं हूँ, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात। उधर उधर आप सामने की तरफ देखेंगे वहाँ कहीं पे, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, बाकी इस एरिया में तो कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा नहीं यहाँ तक। उधर कुछ और आप देखेंगे थोड़ा आगे, मैं आपको जूम करने की कोशिश करके बताता हूँ, वहाँ कहीं पे वो थोड़े से लोग हैं, दिख रहे हैं। इसी प्रकार से सेम अगर मैं आपको इधर का सीन बताऊँ तो वहाँ कहीं पे कुछ लोग हैं, ये इस जगह पे कुछ लोगे। बाकी तो इस बीच के बारे में मैं क्या ही कहूँ। पानी है, लहरें उठ रही है हर बीच की तरह, मगर आदमी है ना कोई है। बिल्कुल शांत बीच, फैमिली बीच बीचेस के लिए है। और ये अगोंडा बहुत शांत, कुछ शेल्स बने हुए हैं, शाम के समय खुलते होंगे अगर टूरिस्ट आते होंगे, बाकी तो ये सारे शेल्स जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो साउथ गोवा इज़ ऑल अबाउट पीस। देख लो आप, ये छोटा सा मेरा एक छोटा सा ब्लॉग है ये, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कोई मतलब नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि नो पीपल, कोई इंसान नहीं। जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ वहाँ पे कोई नहीं। बीच खूबसूरत है, प्यारा है, लंबा चौड़ा बीच है। हाँ, हालाँकि लंबा चौड़ा बीच है। और ऐसा सुनने में आया है कि जब सीजन्स होता है तब यहाँ पर थोड़े बहुत लोग आते हैं, वो भी फैमिली मेंबर्स आते हैं, बाकी तो नहीं। इस बीच की एक खासियत है, जैसे फोर्ट वैगाडोर था वैसा ही इसका एक टॉप व्यू भी है माउंटेन में, वो जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ से इसका एक टॉप व्यू और देखने को मिल जाता है। तो शांत बीच है, खूबसूरत बीच है, आप यहाँ बैठ सकते हो। हाँ, यू कैन स्पेंड ए, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूँगा, अपना टाइम बिताऊँगा, क्योंकि काफ़ी शांतिप्रिय माहौल है भैया, बहुत शांतिप्रिय, मस्त, बहुत बढ़िया। पानी भी ठंडा है, लहरें भी बहुत शानदार उठ रही है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट माहौल बना हुआ है। अगर आप पीस, काम, प्रकृति, समुद्र की आवाज़, ये सारी चीज़ें चाह रहे हो तो ये अगोंडा बीच जो है ये आपके लिए है। मेरे जैसे के लिए तो नहीं, मुझे तो पसंद है। मुझे पसंद है भीड़ भाड़, थोड़े लोग, थोड़ा क्राउड, थोड़े लोग, थोड़ा क्राउड, थोड़ा माहौल, थोड़ा डिस्को, थोड़ा म्यूज़िक हो तो एक अलग ही क्रेज़ होता है। लेकिन ये जो बीच है इट्स क्वाइट कूल, काफ़ी अच्छा है वैसे तो, शांत है, मस्त है। अगोंडा बीच, मैं भी अपने लिए कुछ इमेजेस निकाल रहा हूँ। इस अगोंडा बीच की यादें हैं, या अकेलेपन की यादें, साइलेंस की, प्रकृति के बीच की यादें, इनको मैं प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे इस गोवा ब्लॉग्स में जितने में भी ब्लॉग्स बना रहा हूँ उनको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। थोड़ी सी और कुछ सेकंड्स के लिए ये समुद्र की कुछ क्लिप्स और आप देख लीजिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगोंडा बीच में आपके लिए लाया हूँ, यहाँ पर 30-40 किलोमीटर पर ड्राइव करके आया हूँ केवल आप लोगों को कवर करने के लिए। मुझे पता था ये बीच में कोई ना मिलने वाला, कुछ ही चंद लोग मिलेंगे, उनमें से मैं एक हूँ जो कि सिर्फ आपके लिए आया। तो आज के लिए इतना ही। अगोंडा बीच के अलावा मैं कोई और दूसरे बीच पे भी आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।